करने को आज 22वां दिन हो गया। मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तबीयतें खराब हो रही है, ऊपर से यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। अगर सरकार बोलती है लड़की को पढ़ाओ, लड़की को पढ़ाने के बाद वो लड़की पढ़ लेगी, फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद अगर हस्बैंड छोड़ दे, हम जैसों का तो यही हो रहा है। यहाँ पे बहुत सी विधवा, तलाकशुदा ऐसी महिलाएं बैठी हुई है जिन्होंने हर संघर्ष को मतलब चुनौती समझ रखा है। आज यहाँ पे पहुँच के नौकरी तक रिजल्ट आने के बाद सबको पता चल चुका है कि नौकरी लग चुकी है, लेकिन हम सिफू के बाहर धरना दे के बैठे हैं इस हालत में भी कि तबीयत खराब है, ये भी नहीं सोच रहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम बैठे हुए हैं। तो मैं सरकार से यही, भाजपा सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी, हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, नहीं तो हम जैसे आप हमें वोट, जैसे आप हमसे वोट लेते हैं ना, हम भी जानते हैं कैसे आपने, आप भी तो हम बस शांत है, शांत माहौल से हम वो है कि आप मतलब है ना, एक औरत अगर फूल है ना तो चिंगारी भी बन सकती है। अभी तक प्रोविजन लिस्ट नहीं आई है, ना नियुक्ति जारी की है। मेरा सरकार से बस इतना ही निवेदन है कि हमारी प्रोविजन निकाल के नियुक्ति सूची जारी करे। हमारे पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाकर हमें पढ़ाया लिखा है, ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ये रीढ़ की हड्डी है, आप इसे ही तोड़ दोगे तो कैसा काम चलेगा। हमारे जो भाई बहन हैं वो भी करना चाहते हैं कि हम भी मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, बट उनसे आगे वो हमसे क्या सीख रहे हैं कि नियुक्ति तो होती नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं होती है, सिर्फ सरकारी वैकेंसियाँ निकाल देती है, रद्द कर देती है। वो सिर्फ सरकार का आने का मोटिव होता है कि हम एक बार आ जाएँ और नियुक्ति तो हम बंद कर देंगे, क्योंकि वो पिछली सरकार की होती है। तो हमारे भाई बहन जो कहते हैं वो हमसे यही कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है दीदी मेडिकल की पढ़ाई करने से, क्या मतलब है, नियुक्ति तो होती नहीं है, इससे अच्छा तो अदर हम डिपार्टमेंट जो है अदर फील्ड ही चूज़ करेंगे। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि मेडिकल में जितनी भी भर्तियां हैं उनको नियुक्ति दे, ताकि हमारे जो छोटे भाई बहन और आ रहे हैं वो अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में आए, वरना इस तरीके से तो मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई नहीं आएगा। ये मेडिकल डिपार्टमेंट या तो बंद ही कर देना चाहिए अगर नियुक्ति नहीं करनी होती है तो। मेरा बस सरकार से फिर भी निवेदन मैं करती हूँ कि हमारी नियुक्ति जो है वो जारी कर दे, ताकि हमारे बहन भाई और इस फील्ड में आ सके। बस मेरा सरकार से ही निवेदन है, और हमारी प्रोविजनल सूची जल्द से जल्द जारी करके हमें नियुक्ति दे। मेरा भजनलाल सरकार से एक ही निवेदन है कि हमारी भर्ती 2023 से चली आ रही है, अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। हमारा 95% काम कंप्लीट हो गया है, बस अभी बस हमारी नियुक्ति सूची जारी करना बाकी है। जो भी अगर वो चाहें तो जल्दी से जल्दी हो सकता है, क्योंकि आप मतलब आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, ना कोई कुछ है ना कुछ है, उन्हें डायरेक्ट नियुक्ति सूची दे सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और 2023 से हम इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। बहुत लंबा सफ़र रहा है अभी तक, और हमारा हमने बीजेपी सरकार को लाने का एक ही मोटिव था कि हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो, आगे लोकसभा चुनाव है, उसका परिणाम उसमें भी देखने को मिलेगा। अगर आप हमें, हमारे साथ 25,000 परिवार भी हैं साथ में जुड़े हुए, हर कैडर से कम 7-8 लोग जुड़े होते हैं परिवार में, उन सबको मिला के देखा जाए तो एक परिवार से कितने लोग होते हैं जो आपको मतदान देते हैं, अगर आप उनका भी देखें तो भी। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ये आपको देख ही रहे होंगे कि कितने दिनों से, आज हमारा 21वां दिन है, अभी हमें बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पे, 21 दिन मायने रखते हैं, और बहुत निवेदन करते हैं आपसे, नम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें, ताकि हम अपना धरना समाप्त करें। जैसे ही हमारा धरना समाप्त होता है हमें नियुक्ति मिल जाती है, हम यहाँ से चले जाएंगे। और बस यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें, हम राह लगा के बैठे, हमारा परिवार राह लगा के बैठा है कि कब नियुक्ति आएगी, कब परिवार में खुशी आएगी, क्योंकि एक आदमी की नियुक्ति से मतलब एक आदमी की नौकरी से आप देखिए कितना पूरा परिवार चलता है। और सोचिए एक लड़की के पीछे अगर किसी की नौकरी लगती है तो उसके पीछे कितने लोगों का भला होता है। तो मेरा भजनलाल सरकार से एक ही निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें, धन्यवाद। हाँ जी सर, सर मेरा नाम कल्पना गरवा है और मैं चूरू से हूँ। क्या कहेंगे धन्यवाद सर? धरने को देखकर एक कंडीशन पैदा, जैसी इधर की परिस्थितियां हैं और जिस तरह से 22 दिन से हम इस धरने पे बैठे हैं, भूखे प्यासे लोग आंधी तूफान बारिश में बैठे हैं, उस धरने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार है वो संजीदा नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री साहब है वो इस बात को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। और वो जिस तरह से उनकी वार्तालाप किया है हमने, तो इस ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल संजीदा नहीं है। और करना, और कुछ करना है?
जी सर, धन्यवाद सर, आप हमारी ये बात मीडिया तक पहुंचा रहे हैं, सब जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसे कि विधानसभा में बजट पेश हुआ है, हमारे युवाओं के लिए बोल रहे हैं कि हम 70,000 वैकेंसी निकालेंगे। अब ये वैकेंसियाँ नई निकाल रहे हैं, पहले हमारे पुरानी जो निकाली है एग्ज़ाम हुए हैं और जो वैकेंसी निकली है उसमें पहले उनको नियुक्ति दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। पहले हमें नियुक्ति दे दे, फिर नए सिरे से और आगे आपको नियुक्ति निकालनी है, वो जैसे बजट में घोषणा की है, पहले हमें नियुक्ति दे, फिर वो बजट पूरा करे। और जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तो फिर वो दूसरे जो युवा है वो कैसे विश्वास करेंगे इस सरकार पे कि ये 70,000 वैकेंसियाँ पूरी करेंगे। पहले हमारी पूरी करें, फिर उसके बाद में दूसरी, बस यही चाहती हूँ मैं। बाकी सरकार से हम क्या बोले, बहुत निवेदन कर दिया, हम तो थक गए। मेरा नाम उषा कुमारी है, मैं भरतपुर से बिलोंग करती हूँ। अब राजस्थान सरकार ने 8 कैडर की भर्ती निकाली है, ये नर्सिंग की, जिनमें से एक नर्सिंग की है, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। अब ये नियुक्ति नहीं दे रहे, इन्होंने एचएम की 17,000 वैकेंसी निकाली है एनएचएम की, उनका एग्जाम करवा रहे हैं, लेकिन हमारी परमानेंट वैकेंसी का कोई होश नहीं है इनको, ना तो हमारी बातें सुन रहे हैं। धरना इतने दिनों से चल रहा है, 22वां दिन है आज, लेकिन धरने की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी परमानेंट वैकेंसी की नियुक्ति दें हमें। आज 22वां दिन जारी है, अभी तक सरकार ने सुध नहीं लिए, एक बार हमारी वार्ता हुई है वो भी विफल हो चुकी है। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक मैसेज करना चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्दी ही जल्दी सुनी जाए। अभी यहाँ बच्चे बैठे हैं, काफ़ी दिन से परेशान हो रहे हैं, अभी तक हम घर भी नहीं गए हैं, तो जल्दी से जल्दी नियुक्ति जारी करें हमारी। सर हमारा तो यही कहना है कि हम सब यहाँ भाई बहन सब परेशान हो रहे हैं, सरकार हमारी सुने और हमारी नियुक्ति जारी करे जल्द से जल्द। हम जो यहाँ 22 दिन से धरना चल रहा है उसमें सरकार ने अभी तक कुछ सुनवाई नहीं की, तो हम तो ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति दी जाए और फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाए, यही हमारा कहना है। सर हमारे चिकित्सा विभाग की 8 भर्तियों को लेकर या सीपू के बाद 22वें दिन से सीपू अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें से 7 कैडर की प्रोविजनल सूची जारी होगी, फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई। और सरकार से हमारी एक बार वार्ता हुई है 29 तारीख को, उसके बाद उसमें नकारात्मक वार्ता हुई, सकारात्मक आश्वासन मिला है और सिर्फ बाकी और कुछ अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मांगी जाती, नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो जाते, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।